न कि वो आगे बा न कि वो पीछे बा न दया बा न बाया बा। वो व्यक्ति के राजनीतिक के पृष्ठभूमि कौन नहीं है। मतदाता के कहीं ना कहीं एगो है, नगर पालिका में आज सुने के मिलता कि 400-500 आदमी के जैसे वैकेंसी मियादी प्रहरी खानी नगर पालिका में भी मियादी प्रहरी जैसा नौकरी बटाता हूँ। चुनाव में यूज करे खातिर ओकरा के कुछ पैसा दे करके ओकरा के 4 गते तक ले नियुक्ति करता नहीं। 4 गते के बाद लड़का सुन के भविष्य का हो कि क्यार दुरुपयोग चिट्ठी भी भेज देवा कि कौन आधार में ये नियुक्ति करे को कहाँ बट ये इसको राय कसले पेमेंट कर सर पार्टी। बेईमान आदमी तो बेईमाने होला न, लोकतंत्र में कहल जला। आज लोकतंत्र के खतरा इससे महसूस बेईमाने लोग से तो महसूस हो रहा बा कि लोकतंत्र पर खतरा बा, संघीयता पर खतरा बा। आम जनता से हम कहे के चाहें कि वो मेयर बन गई, कि वो भतीजा के उप मेयर बना दिलाओ, कि वो पत्नी के सांसद बना देवे समन पातिक में, गलत बात भाई। मतदाता के डरवाओल धमकाओल जाता का बा कि गुंडा राज भाई नेपाल। ओली जी और उपेंद्र जी एक आदमी पहाड़ के इशू लेकर के भंजौलक और एक आदमी मधेश के इशू लेकर के भंजौलक। आज वो अवस्था रह नहीं खेगा कि वो मधेशी मधेशी कह के राजनीति करी, के वो पहाड़ी पहाड़ी कह के राजनीति करी। प्रदेश सभा के सदस्य के उम्मीदवार बनी दू के पास है। हमर नाम रमेश प्रसाद कुर्मी। आज हमने के लगभग हमारा क्षेत्र के लगभग 2 गो वार्ड मात्र बाकी रह गए घर दिलो के। एक बाद हमके 9 गो वार्ड जोन हम विजिट कनी हाँ घर दिलो कनी हाँ। उनमें एकदम जनता जनता में घर घर में एगो आवाज कथी पहुँच बा कि अफिरुआ वाम लोकतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जे भी बा ओकरा के अत्यधिक मत से विजय बनावल जा। क्योंकि मुलुक में वाम गठबंधन के आवश्यकता बा और प्रदेश में भी हमरा लाग रहल बा कि प्रदेश में भी वाम गठबंधन की ही सरकार बने के इस आवश्यक स्थिति उत्पन्न हो गई बा और संघ में भी अपने के गठबंधन के सरकार बने के अवस्था आई बा। जौन की एगो लोग से हमके विचार जौन आ रहल बा उससे हमके बहुत ज़्यादा खुश भी बानी सन। आ जनता के हमने के ओकर अपना तरफ से ओकरा के थैंक यू भी बोलता नहीं सन। वाम गठबंधन के आवश्यकता देश के आवश्यकता बा। ये कौनो हमने के शौक से अथवा चुनाव एकदम ज्यादा करके जीते के हिसाब से मुलुक के हाके के हिसाब से ये वाम गठबंधन के आवश्यकता भइल बा। इसमें 2 गो फैक्टर आ रहा अपने के हम बताए थे। निश्चित रूप से पहले हम यही क्षेत्र से निर्वाचित रहनी हाँ। आ एगो तो कहा कि जब से संघीयता आइल बा क्षेत्र में विकास भइल बा सन। आ खास करके हम अपन क्षेत्र के और क्षेत्र में का भइल बा अपने लगन से छुपल ना हो, लेकिन प्रदेश नंबर क्षेत्र नंबर ये 2 ख में जौन हम अपन जनता में लगानी कैले बानी, जनता में हम विकास कैले बानी, वो विकास के हमारा रिजल्ट मिल रहा बा। आज ओकर जीत आज लोग महसूस कर रहा बा कि माननीय जी विकास कैले बड़ा। निश्चित रूप से ऐसा लोग यदि पुनः निर्वाचित हुई तो और सारा विकास हुई। दूसरका चीज कहे के चाहे कि आज वाम गठबंधन के आवश्यकता भी आम जनता महसूस कर रहा बा। देखले हो हम विगत के दिन में ओली जी और उपेंद्र जी एक आदमी पहाड़ के इशू लेकर के भंजौलक और एक आदमी मधेश के इशू लेकर के भंजौलक। आज वो अवस्था रह नहीं खेगा कि वो मधेशी मधेशी कह के राजनीति करी, के वो पहाड़ी पहाड़ी कह के राजनीति करी। साझा आज विचारधारा के लड़ाई बा, खास करके वो विचारधारा के अंतर्गत नेपाल सुरक्षित रही, लोकतंत्र सुरक्षित रही, संविधान सुरक्षित रही। यह विचारधारा के साथ आज जनता पूरा गठबंधन के साथ बा। हर क्षेत्र में जाकर के देखल जाए, यहाँ तक ले हम अपने के जोड़ दी कि आज नेपाल में पूरा नेपाल में ही गठबंधन विजय हो रहा बा। एकर कारण एक ही गो बा, ये मुलुक में वाम गठबंधन के आवश्यकता बा, वाम गठबंधन के सरकार बने जा रहा बा। वही से सभी जनता, आम जनता, प्रत्येक क्षेत्र के जनता एकदम खुशी के साथ हमने के सहयोग कर रहा। मधेश के कुछ इशू बा जौना इशू पर माननीय मोहन ठाकुर जी काम कैनी। निश्चित रूप से हमने के कोनो मधेश के मेजर इशू जैसे अपने के नागरिकता संबंधी इशू रहे, खास करके पहचान संबंधी इशू रहे, हमने के जौन निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र के इशू रहे, तो ई प्रकार के हमने के इशूज रहे जौन की हमके संविधान जौन समय में बनत रहे। उस समय में हम संविधान सभा के सदस्य स्वयं भी रहनी
उस समय में जब संविधान बनल तो कुछ ऐसा संविधान के आज भी हमने के संविधान के विरोध ना करने सन, लेकिन कुछ बुदा ऐसा अंतर्गत संविधान में रखाइल के हमने के कहने सन कि एक परिमार्जन कह जा के सब साझा देशवासी के जैसे तराई मदेश हिमाल सब एकजुट हो करके के संविधान महसूस करे के पड़ल। संविधान के मतलब का भाई कि मुलुक के साझा दस्तावेज है और साझा दस्तावेज में हमने के सबके आटे वाला अपने के नीति निर्देशन होके के पड़ल। ये हमने के लड़ाई रहे और मदेश के भगावे ला जहाँ तक सवाल रहे तब बार बार अपने से एगो प्रश्न लोग उठाएला कि हमने के मदेश के भजा करके सत्ता में जाए वाला काम हमने के ना कर सन। अपने के हुई माननीय मोहन ठाकुर जी हमने के गर्व करने सन कि अपना इश्यू पर वहाँ के काम करें ना कि सत्ता में जा करके सत्ता के लोभ प्रलोभन में पड़ करके जनता के ठग के जनता के ऊपर भार लोड उत्पन्न करे के वहाँ के काम नहीं सी कैले। इससे हमने के भी एगो महसूस करने से कि हमारे नेता स्वच्छ बा जौन मदेश की इश्यूज बा वही पर आज भी वहाँ के काम कर रहा बनी लड़ाई होले नहीं के क्योंकि आज आवश्यकता के उम्मीदवार हमके बने साझा उम्मीदवार बने सन न कि वो आगे बा न कि वो पीछे बा न दाया बा न बाया बा एकदम अत्यधिक बहुमत आज तक ले इतिहास में वैसा ना भइल होई जौन के अग्रवा मेजोरिटी अग्रवा आम पब्लिक जौन वोट देवे जा रहल बा यही से आगे पीछे के तुलने नहीं के उसे ऐसे कि एगो इतिहास रचे जा रहल बा आम पब्लिक अब किरवा के मत देखे के अपन अत्यधिक मत रिकॉर्ड मत से हमके विजय होखम सर। ई गलत दावी बा ई जनता के भरम पारे वाला दावी है एमे कोनो दम नहीं है कोनो सत्यता नहीं है अपने ऐसा ही जा करके देखला से भी हुई गांव गांव टोल टोल में जनता बुझ गई बा ये दू ठगेड़ा के फेर में पड़ला से मुलुक कहीं ना कहीं फिर एगो बहुत बड़ा एक्सीडेंट में फंसी। इससे अब जनता निष्पक्ष रूप से वाम गठबंधन के वोट देवे जा रहा बा कि ये ठगेड़ा से सचेत हो गई बा सब अपने क्लियर शब्द में हम कहीं ये दू गो ठगेड़ा से यदि मुलुक बच गए तो नेपाल नेपाल बनी। ये हम जोरदार अपने के चैनल के माध्यम से आम जनता के कहे के चाहे कि जेकर राजनीतिक पृष्ठभूमि ही नहीं वैसा आदमी से रुआ राजनीति के का अपेक्षा रखता है। आज निश्चित रूप से ऐसे तो लोग आम जनता ने कहता ये अपवित्र गठबंधन बा पवित्र गठबंधन हमनी के बाद जौन ई लोकतांत्रिक वाम गठबंधन के रूप में हमके लेल बहिसन करे एकरा के पवित्र गठबंधन हमनी के आज पूरा देश में जीत रहल बा चूंकि विश्वास जनता के बा। लेकिन वो गठबंधन के ना कोनो अस्तित्व बा ना कोनो स्थान बा जहाँ तक व्यक्ति के बात अपने कहनी है तो वो व्यक्ति के राजनीतिक के पृष्ठभूमि कोनो नहीं है ओकर एगो पृष्ठभूमि बा जौन शब्द हम अपने के चैनल में ना कहे के चाहें उ शैली आज जगह जगह मतदाता के भी कहीं ना कहीं धमकी देवल जा रहा बा मतदाता के कहीं ना कहीं पैसा के प्रलोभन देवल जा रहा बा मतदाता के कहीं ना कहीं एगो आई नगर पालिका में आज सुने के मिला था कि 400-500 आदमी के जैसे वैकेंसी मियादी प्रहरी खानी नगर पालिका में भी मियादी प्रहरी जैसा नौकरी बटाता हूँ तो ये सब कथी है वास्तव में एकरा के कहल जाए ये विकृति है। आज जौन लड़का के अपने चुनाव में यूज करे खातिर ओकरा के कुछ पैसा दे करके ओकरा के 20 दिन 4 गते तक नियुक्ति करता नहीं 4 गते के बाद उ लड़का सन के भविष्य का हो उ लड़का सन 4 गते के बाद वो कहाँ जाइए सन चंद रुपया के लालच में जोन आज लड़का के गुमराह करके एगो पूर्जी बांटल जा रहा बा तत्काल ओकरा के बंद करे के पड़ी न तो ये बहुत बड़का ये आम जनता के गुमराह करके इस देश के खास करके राजस्व के शोषण करे के नीति बा। अपने एगो बात प्रश्न अपने के कह दू हम कि अब त्यार दुरुपयोग चिट्ठी भी भेज देबा कि कौन आधार में ये नियुक्ति करे को कहाँ बट ये इसको राजस्व कसले पेमेंट कर कहाँ बट कर तो अपने की और माध्यम की जानकारी होके भी चाहिए कि आज प्रत्येक वार्ड के विकास बजट कटौती कल गई काहे कल गई बा कटौती चुनाव में ओकरा के ऐसा ही लड़का लोग 200-400 लोग के लोग यूज कर करके ओकर 2-4 पैसा ओकरा के लाभ दे करके कहीं ना कहीं आम जनता के गुमराह करके वोट डाइवर्ट कराओ। आज जौन चीज बा पार्टी बेईमान आदमी तो बेईमाने होला न लोकतंत्र में कहल जला आज लोकतंत्र के खतरा इसे महसूस बेईमाने लोग से तो महसूस हो रहा बा कि लोकतंत्र पर खतरा बा संघीयता पर खतरा बा। यदि ईमानदार रहित केहू तो पूर्ण रूप से अपन गठबंधन के पालन करे जब गठबंधन के पालन व्यक्ति नहीं के करत एकर मतलब कथी बा व्यक्तिगत स्वार्थ
आम जनता से हम कहे के चाहें कि वो मेयर बन गई, कि वो भतीजा के उप मेयर बना दिलाओ, कि वो पत्नी के सांसद बना देवे, समानुपातिक में गलत बात भाई। आज अपने लगन के एक भी आम जनता के ऊपर अपने लगन के हमने के बात के जगह जगह पहुंचावे के पड़ी, ये गलत विचार पड़ी, ये विचार के रोके के पड़ी। इससे हमने के एक जोरदार विरोध करते हैं। ट्रेंड में यदि निश्चित रूप से आज के युवा पीढ़ी यदि फंसता तो कहीं ना कहीं गुमराह हुई का करी थी वहाँ चार गते के बाद। आज ओकरा के हमने के दू पैसा के लालच में दे करके जगह जगह पर के मुठभेट करावल जाता, मतदाता के डरवावल धमकावल जाता, का बा गुंडा राज भाई। नेपाल नेपाल एगो स्वतंत्र मुलुक बा, नेपाल के स्वाभिमान के ऊपर खतरा महसूस हुई, नेपाल के आम जनता के ऊपर खतरा महसूस हुई, नेपाल के आम जनता के मतदाता के ऊपर खतरा महसूस हुई, तो जोरदार विरोध करम सर। हमने माने वाला नहीं सर, आज के वो अपने आप के बहुत बड़का सांसद बने, कि वो अपने आप के बहुत बड़का डॉन बने। आज विकृति बात, लोग चांद पर पहुंच गए, अभी लोग वही पारा में घूमता नहीं। डेढ़ा दम मतदान है भाई, मतदान के मतलब अपन मत दान करे के बाद, अपने स्वेच्छा स्वविवेक से ओकरा के मत के अपन प्रयोग करे के बाद, ना कि ओकरा के धाक धमकी के प्रयोग कर करके रुपया के लोभ लालच में दे करके मत यदि लेवे के कोशिश करता तो वो अपराधी बा। वो व्यक्ति ओकरा के निर्वाचन आयोग ओकरा के अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान से हम निवेदन करें। वो व्यक्ति के अपने दायरा में लिया करके कानूनी कार्रवाई करे के पड़ी। अपने लगन के माध्यम से हम सब निकाय के हम अनुरोध करें कि जल्दी ये पर कार्रवाई करो, ना तो बहुत बड़का विद्रोह होके के संभावना बन रहा। हम मतदाता से अपील करें, अपने के चैनल के माध्यम से संपूर्ण नेपाली मतदाता से अपील करें कि देश के संविधान, देश के लोकतंत्र गणतंत्र के जोगाव के बाद निश्चित रूप से वाम गठबंधन के अत्यधिक मत दे के रुवालगन विजय बनाई, देश में स्थिर सरकार बनाई, देश के विकास प्रगति के राह पर ले आई। अपने लगन केहू के बहकावा में, केहू के प्रलोभन में ना पड़ के असल नेता के अपन चुनी, ये हम अपन आम जनता से अपील।